एक अहम खबर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनने के लिए अहल करार। सादिक संजरानी के खिलाफ 21 जून 2018 को दरख्वास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को फैसला महफूज किया था। ताहम जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनने के अहल करार दे दिए गए हैं। सादिक संजरानी की उम्र 45 साल से कम होने की वजह से दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया था कि आइन के मुताबिक 45 साल से कम उम्र शख्स सदर के ओहदे का अहल नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज करते हुए महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनने के लिए अहल करार दिए जा चुके हैं।